हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बढ़िया से स्टोरी फिर से लाया हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि स्टोरी के माध्यम से हम न्यू वर्ड सीखते हैं और कुछ इंग्लिश ग्रामर के जो स्ट्रक्चर हैं, टेंस वगैरह, ये भी सीखते हैं। तो यदि आपको ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो स्टोरी को जो है लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और न्यू वर्ड सीखना चाहते हैं तो स्टोरी सबसे अच्छा आपका जो है विकल्प रहेगा कि आप जो है स्टोरी पढ़ें। और जितना ज़्यादा स्टोरी आपको याद होंगी तो उसी प्रकार से आप जो है इंग्लिश में जो है कल्पना कर सकेंगे और इंग्लिश बोल भी पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो आज की स्टोरी का नाम है द वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया, इन शीप्स मतलब भेड़ी के, क्लॉथिंग मीन्स कपड़े में, कपड़े मतलब उसकी खाल। तो भेड़िया भेड़ की खाल में, ये स्टोरी का नाम है। तो चलते हैं इसको पढ़ते हैं। वन डे अ वॉल्फ फाउंड अ शीप स्किन। वन डे मीन्स एक दिन, अ वॉल्फ मीन्स भेड़िया, फाउंड मीन्स पाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है पाया, फाइंड का फाउंड, फाउंड मीन्स पाया, अ शीप स्किन, शीप स्किन मतलब भेड़ की खाल। एक दिन एक भेड़िए ने एक भेड़ की खाल को पाया। ही कवर्ड, फिर से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही कवर्ड, कवर का मतलब होता है ढकना। ही कवर्ड, उसने ढक लिया, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, हिम से हिमसेल्फ बनता है जिसका मतलब होता है अपने आप। तो ही कवर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ढक लिया विद द शीप स्किन, उस भेड़ की खाल से, जो भेड़ की खाल थी उसको उसने ढक, अपने आप को ढक लिया यानी पहन लिया। एंड गॉट इन टू, गॉट इन टू का मतलब होता है प्रवेश करना, कहीं पर प्रवेश कर लेना। तो गॉट इन टू एक फ्रेजल वर्ब है, इसको याद करना है आपको। गॉट इन टू मतलब प्रवेश कर लिया। अ फ्लॉक, फ्लॉक मतलब होता है झुंड, ग्रुप। अ फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन अ फील्ड, ग्रेजिंग मतलब चरना, जो चर रही थी इन अ फील्ड मतलब मैदान में, जो भेड़े मैदान में ग्रुप बना के चल रही थी उसी में वह भेड़िया जो है भेड़ की खाल को पहन के उसी में प्रवेश कर गया। ही थॉट, उसने सोचा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही थॉट, उसने सोचा। द शेफर्ड विल शट द शीप, द शेफर्ड मतलब भेड़िया, विल ये पा ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। द शेफर्ड विल शट, शट मतलब बंद करना। उसने सोचा कि द शेफर्ड मतलब होता है गड़ेरिया, गड़ेरिया विल शट मतलब बंद करेगा द शीप मतलब भेड़ को। इन द पेन, अब यहाँ पर देखिए पेन का मतलब कलम भी होता है, पेन यहाँ पेन का दूसरा मतलब है, पेन का मतलब यहाँ है जहाँ पर जानवर बंद किए जाते हैं, बाड़ा जिसे कहते हैं। तो उसने सोचा कि जो गड़ेरिया है विल शट द शीप, भेड़ों को बंद करेगा, इन द पेन मीन्स बाड़े में, आफ्टर सनसेट, सनसेट का मतलब सूर्यास्त, आफ्टर मतलब बाद में, सनसेट मतलब सूर्य अस्त होने के बाद में। उसने सोचा कि गडरिया जो है भेड़ों को जो है सूर्य अस्त होने के बाद में बाड़े में बंद कर देगा। एट नाइट, रात में, आई विल रन अवे, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। एट नाइट मतलब रात में, आई विल रन अवे, मैं भाग जाऊंगा विद अ फैट शिप, किसके साथ में, विद मतलब साथ में, अ फैट शीप मतलब एक मोटी ताजी सी शीप मतलब भेड़, भेड़ के साथ में मैं भाग जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैं एक मोटी ताजी भेड़ को ले करके अपने साथ भाग जाऊंगा। एंड ईट इट, और उसे खा जाऊंगा। तो उसने सोचा कि रात में जो है मैं इनके जो भेड़े हैं इनके साथ में मुझे भी बंद कर देगा, क्योंकि मैं भी भेड़ के खाल में हूँ तो वो जो है पहचान नहीं पाएगा, और रात में जब रात हो जाएगी तो मैं एक भेड़ को, मोटी ताजी भेड़ को ले करके अपने साथ में भाग जाऊंगा। ऑल वेंट वेल टिल द शेफर्ड शट द शीप इन द पेन एंड लेफ्ट। ऑल वेंट वेल, सब कुछ अच्छा हुआ, ऑल वेंट वेल, सब कुछ अच्छा हुआ। टिल मतलब तब तक, टिल मतलब तक होता है, तब तक सब कुछ अच्छा हुआ। द शेफर्ड शट द शीप, सेफर्ड मतलब गड़ेरिया, शट मीन्स बंद करना, द शीप मतलब भेड़ों को, इन द पेन मतलब उस बाड़े में, एंड लेफ्ट और चला गया। तब तक अच्छा हुआ
जब तक जो है वो जो गड़ेरिया है सभी भेड़ों को उस बाड़े में बंद किया, तब तक तो सब कुछ अच्छा चला। तो तब तक बढ़िया चला जब तक जो है गड़ेरिये ने भेड़ों को बंद किया, तब तक तो उसको मज़ा आ रहा था। उसके बाद क्या होता है, द वॉल्फ वॉल्फ वेटेड पेशेंटली फॉर द नाइट टू एडवांस एंड ग्रो डार्कर। द वॉल्फ मीन्स वो भेड़िया, वेटेड मतलब इंतज़ार किया, पेशेंटली मतलब होता है धैर्यपूर्वक, बड़े धैर्य से उसने इंतज़ार किया, फॉर द नाइट रात का, टू एडवांस मतलब और ज़्यादा रात हो जाए इसका इंतज़ार किया, एडवांस का मतलब और ज़्यादा आगे बढ़ना, एंड ग्रो डार्कर और ग्रो मतलब हो जाना, डार्कर मतलब अंधेरा, और ज़्यादा अंधेरा हो जाए और ज़्यादा रात हो जाए इसका उसने इंतज़ार किया बड़े धैर्य के साथ। बट देन एन अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपन, बट लेकिन देन मतलब तब, एन अनएक्सपेक्टेड थिंग मतलब अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो वैसी चीज़ हो जाना। लेकिन लेकिन तब जो है एक अप्रत्याशित थिंग मतलब चीज़ हैपेंड मतलब घटित हुई, तब एक ऐसी जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी ऐसी चीज़ घटित हुई। वन ऑफ द सर्वेंट ऑफ द शेफर्ड इंटर द पेन, वन ऑफ द सर्वेंट उन नौकरों में से एक नौकर, ऑफ द शेफर्ड मतलब गडेरिए का के नौकरों में से एक नौकर, इंटर्ड मिस प्रवेश किया द पेन मिस उस बाड़े में जहाँ भेड़े थी। हिज मास्टर हैड सेंट हिम टू ब्रिंग अ फैट शिप, हिज मास्टर मतलब उसका मालिक, हैड सेंट मतलब भेजा था, हिम मतलब उसको, टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए, ब्रिंग मतलब लाना, लाने के लिए उसके मास्टर ने उसके मालिक ने उसे भेजा था अ फैट शिप एक मोटी ताजी भेड़ को, एक मोटी ताजी भेड़ को लाने के लिए उसके मालिक ने उसे भेजा था उस नौकर को। फॉर सफ़र, सफ़र मतलब होता है रात्रि का भोजन, फॉर सफ़र मतलब रात्रि के भोजन के लिए, कि एक मोटी ताजी भेड़ लाओ उसका जो है रात में हम लोग जो है उसे बनाएंगे खाएंगे, इसलिए उस नौकर को उसके मालिक ने भेजा था। एज लक वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य में था, एज लक वुड हैव इट का मतलब होता है जैसा कि भाग्य में था, द सर्वेंट पिक्ड अप द वॉल्फ ड्रेस्ड इन द शीप स्किन। द सर्वेंट मतलब नौकर, पिक्ड अप मतलब उठा लिया, द वॉल्फ मीन्स भेड़ियों को, ड्रेस्ड इन द शीप स्किन जो भेड़िए भेड़ की खाल में छिपा हुआ था उसी को उठा लिया। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो भेड़िया था जो भेड़ की खाल को पहन के उसमें आया था उसी को उस नौकर ने उठा लिया। तो आगे क्या होता है कि दैट नाइट उस रात द शेफर्ड गडेरिया एंड हिज गेस्ट्स और उसके जो गेस्ट मतलब होता है मेहमान और जो उसके मेहमान हैड द वॉल्फ फॉर सफर उनके लिए जो है वो वॉल्फ जो भेड़िया था वही रात्रि का भोजन बन गया। तो इससे क्या होता है, इससे मोरल क्या मिलता है, मोरल नैतिक नैतिकता क्या मिलती है, यहाँ पर दिया गया है मोरल एंड इविल डिजायर, डिजायर होना चाहिए, डिजाइन दिया है जो गलत है, एंड इविल डिजायर, इविल का मतलब होता है बुरा बुरी, एंड इविल डिजायर मतलब एक बुरी इच्छा हैज एन इविल एंड उसका अंत भी बुरा होता है, यानी अगर इच्छा बुरी रखोगे खराब इच्छा रखोगे तो अंत भी खराब होगा तुम्हारा। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग गाइज।